Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 2 of geography, inside our earth. ठीक है, हम जो है inside our earth जो chapter है वो start करेंगे आज. Reading हम लोग already कर चुके हैं. So let's start with the chapter. So आप देखोगे chapter की name से ही आपको पता चल रहा है inside our earth, यानी कि हमारे earth के अंदर क्या है, क्या चीजें हैं. ठीक है, so earth में जो है आप देखोगे आउटसाइड भी कुछ चीजें होती है, ठीक है, और इनसाइड भी कुछ चीजें होती है. ये आपका अर्थ इनसाइड भी कुछ चीजें होती है, आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनसाइड एंड आउटसाइड. आउटसाइड में तो यानी कि हमें जो चीजें देखने को मिल रही है, ये आपका अर्थ है. इसमें क्या है, आपको कुछ जो है प्लेन्स दिखेंगे, कुछ माउंटेन्स दिखेंगे, कुछ ट्रीज दिखेंगे. ठीक है, तो आउटसाइड में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी. ट्रीज हो गए, कुछ आपके माउंटेन्स हो गए, कुछ प्लेन्स हो गए, आप कुछ ह्यूमन बींग्स हो गए. So, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आउटसाइड ऑफ दी अर्थ, यानी कि आउटसाइड अर्थ पे जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, या ये जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स एंड रिवर्स. नाउ अवर चैप्टर इज की इनसाइड अवर अर्थ, कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, क्या है हमारे अर्थ के अंदर. ठीक है, सो अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस. ठीक है, हमारा जो अर्थ है, एक होमलैंड है, ठीक है, एक डायनामिक प्लैनेट है. डायनामिक प्लैनेट मींस जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, जो कभी सेम नहीं रहता. ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द अर्थ. सो आउटसाइड में आई टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर्स. बट हैव यू एवर वंडर्ड कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, या व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, या अर्थ जो है किस किस चीज से बना है. ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनसाइड ऑफ अर्थ, कि हमें अर्थ के अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपका अर्थ है. ठीक है, अभी देखो इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, यानी कि एक स्लाइस जो है यहाँ से निकाल दी गई है केक की, या एक अर्थ की, और फिर हमें बताया है कि जो है हमारा जो अर्थ है वो किन किन चीजों से बना है. सो फर्स्ट आपका आप देखोगे ये जो आपका क्रस्ट होता है, आपने जो आपकी जो ऊपर ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है, ठीक है, ये क्या होती है, क्रस्ट. अब वो क्रस्ट क्या होता है हम लोग देखते हैं. सो जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. हम आप देखोगे ऑनियंस के ऊपर, अनियन के ऊपर जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारा अर्थ जो है, अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स होती है. ठीक है, एक के अंदर एक जो है दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है. आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे बॉइल्ड एग हो गया. ठीक है, बॉइल्ड एग का ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, जो उसका जिसको आप क्रस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, उसको आप खोलते हो, उसको आप जो उसका जो ऊपर वाला जो वो होती है चीज, जो लेयर होती है, ठीक है, आप उसको उतारते हो तो उसके अंदर से एक बॉइल्ड एग निकलता है, यानी कि व्हाइट वाली लेयर निकलती है. फिर आप उसको और स्लाइस करते हो तो उसके आप अंदर देखोगे व्हाइट कलर का एग योक होता है, सॉरी येल्लो कलर एग योक होता है. तो वैसे ही थ्री लेयर्स हमारे अर्थ के अंदर भी है. ठीक है, सो अर्थ इज लाइक, आप एग्जाम्पल कैसे भी ले सकते हो, अनियन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, प्लस यू कैन से इट इज इन बॉइल एग की तरह भी. ठीक है, अब वो कैसे, जैसे आपका एक एग है, एग की जब आपने एक बॉइल एग लिया, जब उसकी पहली जो लेयर होती है या पहली परत होती है जो उसकी व्हाइट वाली, ठीक है, उसको आप उतारते हो, उसके अंदर से आपको एक जो है व्हाइट कलर का एग मिलता है जो कि बॉइल्ड है. फिर उसके अंदर भी आपको एक और लेयर मिलती है, यानी कि वो येल्लो कलर का योग दिखाई देता है. ठीक है, तो वैसे ही हमारे अर्थ के अंदर भी थ्री जो है लेयर्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट जो लेयर हो गई आपकी क्रस्ट वाली लेयर हो गई, उसके अंदर हम जाएंगे तो मेंटल होगा, देन एक होगी आपकी कोर वाली लेयर. ठीक है, अभी आपकी आपको मेन थ्री लेयर्स ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. फिर आपका जो मेंटल है वो भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, देन आपका जो कोर है वो भी इनर एंड आउटर में डिवाइडेड है. बट ये इनर एंड आउटर कोर का आपका ज्यादा इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिंपल थ्री लेयर्स ध्यान रखनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जैसे आप एग की जो फर्स्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोल सकते हो, देन वो जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखता है, ठीक है, उसको आप मेंटल बोल सकते हो, और जो येलो वाला एग पोर्शन होता है उसको आप कोर बोल सकते हो. तो सेम जो है अर्थ में भी थ्री लेयर्स है, इज दैट क्लियर. सो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. हमने वही पढ़ा था कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. जैसे मैंने आपको बॉइल एग का एग्जांपल दिया, जो ऊपर वाली जो उसकी परत होती है, जो उसकी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो चीज हो गई आपकी क्रस्ट हो गई, देन ये आपका मेंटल हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, फिर ये वाला जो पोर्शन है आपका कोर हो गया.
तो अब इसमें क्रस्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल, कि ये सबसे पतली लेयर होती है, ठीक है, जो क्रस्ट की जो लेयर होती है वो सबसे पतली लेयर होती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, और ये आप कहाँ तक, ये जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो हमें कहाँ जाके मिलती है, 35 किलोमीटर में मिलती है, ठीक है। सो इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ की जो ये लेयर है, ये जो क्रस्ट है, वो 35 किलोमीटर तक जो है अर्थ की क्रस्ट चलती है। अब इसमें भी कुछ डिफ्रेंशिएट है कि अगर आपका जो लैंड है वो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, या ओशन है, या कॉन्टिनेंट वाला ओशन है या और कॉन्टिनेंट है या ओशन वाला है, तो उसमें भी जो है उनका डिफरेंस आ जाता है। अब देखो कैसे आता है, मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपका कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है, विदाउट वाटर एरिया, और ये ओशन जो है आपका वाटरी एरिया है। अब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है इस कॉन्टिनेंट पे, तो इसका और इस क्रस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज दी 35 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी लैंड पे खड़े हैं उससे अगर आपका देखा जाए कि वहां से क्रस्ट जो है कितनी होगी, कितनी दूरी तक चलेगी, तो दैट इज इट 35 किलोमीटर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है और ये कॉन्टिनेंट है, तो आपको ध्यान रखना, अगर मेन मतलब सिंपल लैंड है, कॉन्टिनेंट है, लैंड मास वाला है, तो आपका जो क्रस्ट चलेगा वो चलेगा 35 किलोमीटर। वही यहाँ पे एक पर्सन है ओशन के अंदर, तो ओशन में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं जाके तो वो एक जमीन तो उसको मिलेगी ना, कहीं ना कहीं पे जाके तो वो रुकेगा ही, नो डाउट वो ओशन में डूबेगा, बट एक नीचे एक लेयर होगी, एक क्रस्ट होगा, एक जमीन होगी, एक लैंड होगी जहां तक वो जाके रुकेगा। तो अब ओशन जो हम देखेंगे, ओशन की अगर वो वहां पे ओशन की फॉर्म में बात करें या वाटर के एरिया में फॉर्म के में बात करें, तो वहां पे जो ओशनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर रहता है, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंड की बात करें तो उससे और वहां तक की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर तक है, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो अर्थ में कितना चलता है, 35 किलोमीटर तक चलता है। और अगर ओशन की बात करें तो जो ओशनिक का जो क्रस्ट होगा, जो ओशन की जो लेयर होगी, वो हमें 5 किलोमीटर तक मिल जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। कॉन्टिनेंट की बात करें तो जब कॉन्टिनेंट की क्रस्ट की बात करें, यानी कि जो लेयर की बात करें वो कितना दूरी तक होगी, 35 किलोमीटर तक। और अगर ओशन की क्रस्ट की यानी कि ओशन की लेयर की बात करें तो 5 किलोमीटर तक होगी, क्योंकि ऊपर तो आप देखो बहुत ज्यादा वाटरी एरिया है ना, और नीचे कहीं ना कहीं जाके उसको जमीन मिलेगी, तो वो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं होगी, यानी कि विद इन दी 5 किलोमीटर को क्या मिल जाएगा, ओशनिक क्रस्ट मिल जाएगा, यानी कि लेयर मिल जाएगी अर्थ की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका क्रस्ट में। आपको दो चीजें बताई है कि एक आपका जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक आपका ओशनिक क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो होता है वो 35 किलोमीटर तक चलती है आपकी, और जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है वो आपका 5 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है। सो नाउ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट, अब ये आपका बताया जो कॉन्टिनेंटल मास है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट वाला जो एरिया है या कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, वो किससे बना हुआ होता है, वो सिलिकाइट एल्यूमिनिया से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वैसे ही अगर आपका ओशनिक क्रस्ट की बात हो रही है तो वो किससे मिलके बना हुआ होता है, वो सिलिका और मैग्नीशियम जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है। तो इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम का जो हाफ नेम है उसको मिला के क्या कर देते हैं, सियाल एक एब्रिवेशन बना दी, और वैसे ही सिलिका और मैग्नीशियम से क्या एब्रिवेशन बना दी, सीमा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है तो उसमें कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूट या कौन कौन से जो मिनरल्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और ओशनिक क्रस्ट की बात हो रही है तो वहां पे कौन से, उस पर्टिकुलर क्रस्ट में कौन से जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, सो Si मीन सिलिका एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। फिर अब हम देखेंगे, हमने बताया था जैसे बॉयल एग्जाम्पल लिया था कि फर्स्ट लेयर तो उसकी कौन सी होती है, क्रस्ट कहलाती है। फिर सेकेंड जो व्हाइट पोर्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, वो मेंटल हो जाता है। तो सेम वैसे ही आपके अर्थ जो आपकी जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बाद जो सेकेंड लेयर आपकी आती है वो क्या होती है, जस्ट बीनेथ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के जस्ट नीचे या जस्ट नेक्स्ट वाली जो आपकी लेयर होती है, दैट इज द मेंटल। उसको क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है, ठीक है। और ये विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, और ये कितना अंदर जाके हमें दिखती है, मतलब मिलती है, ये हमें 2900 किलोमीटर तक जाने पे हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है।
ये एक्चुअली कोई देखने अर्थ के अंदर कोई देखने गया नहीं था, कोई ऐसे किसी ने जाके अंदर पर्टिकुलरली इतना डिग करके देखा नहीं था। अगर वो इतना डिगता तो बच भी नहीं पाता, क्योंकि इतना मतलब डीप होल करना पड़ता है। और जो सेकेंड लेयर होती है हमारी, वहां पे क्या होता है, मोल्टन मैग्मा का काम चलता है, जैसे वॉल्केनोज वगैरह इरप्ट होना और ये सब जो है वहां पे होता है। तो इतना किसी ने जाके अंदर देखा नहीं है, बट ये कुछ ऐसे हमारे कुछ साइंटिफिक एप्स हैं या कुछ चीजों से हमें ऐसा पता लगा है, हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये सब चीजें यानी कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, सो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप बोल पूछो कि मैम कोई इसके अंदर गया भी है क्या, तो इसके अंदर कोई ऐसा सच कोई भी नहीं गया है, जस्ट कुछ साइंटिफिक मशीन से कुछ साइंटिफिक एप्स के थ्रू ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अर्थ की जो इनसाइड है यानी कि अर्थ के अंदर जो है ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, सो क्रस्ट के नीचे जस्ट जो हमारी लेयर आती है दैट इज द मेंटल, जो कि कितना एक्सटेंड है यानी कि कहाँ तक चलती है, वो 2900 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है बिलो द क्रस्ट। फिर वैसे ही मैंने आपको बताया नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट लेयर जो आपकी होती है कोर लेयर होती है। कोर लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी, जो सबसे अंदर लेयर होती है। इनर मोस्ट मीन जो सबसे अंदर लेयर होती है उसको हम इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, कोर। ठीक है, इसका भी रेडियस कितना होता है, 3500 किलोमीटर तक होता है, एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। और वो जो लेयर है वो कौन से मिनरल से बनी हुई होती है, वो निकल एंड आयरन से बनी हुई होती है एंड इज कॉल्ड नाइस। ठीक है, निकल एंड फेरस, फेरस मीन्स आयरन। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे निकल एंड आयरन बोला है फिर यहाँ पे जाके निकल एंड फेरस कर दिया, तो वो सेम चीज है। ठीक है, सो द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थ्री लेयर्स हमने पढ़ी है, दैट इज द क्रस्ट। ठीक है, आप बॉइल्ड एग्जाम्पल की तरह से याद कर सकते हैं, ये फर्स्ट लेयर क्रस्ट होती है, देन उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और उसके अंदर एक और जो है एक और लेयर होती है दैट इज द कोर। तो ये अपर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट, जो सबसे पतली होती है। ठीक है, और जो 35 किलोमीटर तक चलती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें, और अगर ओशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 5 किलोमीटर ओशन के अकॉर्डिंग हुआ। देन आपका जो कॉन्टिनेंटल की जो क्रस्ट है वो दो चीजों से बनी हुई होती है, सेम आपका जो ओशन वाली क्रस्ट है वो भी दो चीजों से बनी हुई होती है। फिर उसके जस्ट बाद आपकी कौन सी लेयर आती है, आपकी मेंटल वाली लेयर आती है, जो कि 2900 किलोमीटर के बाद दिखती है हमें। ठीक है, क्रस्ट के नीचे दिखती है। तो मेंटल के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता रखा, उसमें सिर्फ इतना ही कि वो कितना किलोमीटर तक डेप्थ है उसकी। ठीक है, देन आपका जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कोर कहते हैं, उसका रेडियस आपको बता दिया है। देन ये जो है कौन कौन से मिनरल से बनी हुई होती है, दैट इज द निकल एंड आयरन। ठीक है, निकल एंड आयरन से बनी हुई होती है, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म दे दिया नाइफ। एंड जो हमारा सेंट्रल कोर है दैट इज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि वहां पे कोई गया था, वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है वहां पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनसाइड ऑफ अर्थ, कि अर्थ के इनसाइड में क्या क्या, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो था वो कैसा था, दैट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। सो आप लोग ध्यान रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बॉइल्ड एग वाला। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेंटल वाला। ठीक है, मेंटल जो आपकी लेयर थी, अब इसमें आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दिया हुआ तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो ये जो लेयर होती है ये सॉलिड नहीं होती। ठीक है, ये क्या होता है, सेमी लिक्विड की फॉर्म में होता है, जैसे मैंने आपको बताया मोल्टन मैग्मा और ये ज्वाला वॉल्केनोस वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है इस क्रस्ट की वजह से होते हैं, एंड ये जो क्रस्ट है आपको 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, यानी कि वहां तक हमें देखने को मिलती है। सो इसमें जो भी चीज होती है, मिनरल्स होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते, दे आर ऑफ सेमी लिक्विड। जैसे जो वॉल्केनो में से निकलता है वो सेमी लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, सो इज दैट क्लियर अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स एंड मिनरल्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ के, ठीक है, ये वाली जो लेयर होती है ये क्या है, ये बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी हुई है। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो सारे मिनरल मैटर्स या वो सब नेचुरल मासेस जो क्या कर रहे हैं, अर्थी क्रस्ट को फॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, रॉक बोला जाता है।
अब रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर. रॉक्स जो है बहुत सारे कलर, मतलब अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग टेक्सचर की होती है. नाउ देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स. तीन मेजर टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में बता रखा है, दैट इज द इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी हुई होती है, एंड जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं. ठीक है, अलग अलग टेक्सचर भी हो सकता है. नाउ द थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, तीन मेजर टाइप ऑफ रॉक्स कौन कौन से हैं? इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. अब ये जो रॉक है वो कैसे बनती है? ठीक है, अपने आप तो नहीं आ जाती है कहीं से उड़ के, तो ये भी कहीं से फॉर्म होती है. तो अब ये कैसे और कहाँ से फॉर्म होती है वो हम पढ़ेंगे. When the molten magma cools, it becomes solid. मैंने आपको बताया था एक volcano है, सबको पता है volcano क्या होता है. ठीक है, ये volcano है, इसमें से वो molten magma, वो जो गर्म लावा है वो निकल रहा है. ठीक है, अब वो गर्म लावा जो है बाहर निकल रहा है और वो जाके बाहर ठंडा हो रहा है. ठीक है, तो वो जो molten magma जो बाहर जाके ठंडा हो जाता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म या सॉलिड शेप जो है गेन कर लेता है. तो वो सॉलिड शेप जो वो गेन कर लेता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, रॉक वाली शेप बन जाती है. रॉक वाला जो है उसमें चीजें या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं. तो इसलिए व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड. तो जब वो चीज जो मोल्टन मैग्मा बाहर आके कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है रॉक की फॉर्म में. तो वो जो रॉक्स कहलाती हैं वो इग्नियस रॉक कहलाती है. ठीक है, अब इन इग्नियस रॉक को जो है प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इग्नियस रॉक से ही बाकी की रॉक्स बनती है. यानी कि जो हम सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे ना, वो भी इग्नियस रॉक से ही बनी हुई होंगी. तो इग्नियस रॉक से ही स्टार्टिंग होती है, इससे जाके बाकी की जो है चीजें, बाकी की रॉक्स बनती है. इसलिए जो है इग्नियस को प्राइमरी रॉक कहा जाता है. यानी कि प्राइमरी जो आपकी स्टार्टिंग है वो इसी लेवल पे होगी, इसी रॉक से होगी. ठीक है, अब यहाँ पे एक लैटिन वर्ड दिया हुआ है, इग्नियस मीन्स फायर. तो वही हमने पढ़ा कि ये जो है फायर से ही बनी हुई है, एक तरह से मोल्टन मैग्मा से ही बनी हुई है. ठीक है, सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं. अब इसमें क्या है, इग्नियस रॉक भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो होता है आपका इंट्रूसिव रॉक, एक होता है आपका एक्सट्रूसिव रॉक. अब क्या होता है इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स? ठीक है, मैंने आपको बताया था मोल्टन मैग्मा से जो रॉक्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक. सो नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस. लावा इज एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सर्फेस. सबने देख रखा है वॉल्केनो और उसमें से कैसे वो फायरी रेड वाला जो है वो ज्वालामुखी और उसमें से निकलता है ना. तो वो मोल्टन मैग्मा उसमें से बाहर निकलता है और अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की जो है सरफेस पे आ जाता है. जैसे ये आपका एक, ये आप मान लो आपका वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है. ठीक है, इसमें से जो है वो मोल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है और अर्थ की क्रस्ट पे जा रहा है. तो यानी कि अर्थ की सरफेस पे जाके वो ठंडा हो गया है ना. यानी कि मैग्मा बाहर निकल के सरफेस पे आके ठंडा हो गया और वहां पे उसने क्या किया, रॉक की शेप ले ली, रॉक बन गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे, सॉरी एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे. क्यों एक्सट्रूसिव क्यों बोलेंगे? क्यों वो बाहर आके फॉर्म हो रहा है. सो व्हेन दिस मोल्टन मैग्मा या लावा कम्स ऑन द अर्थ सर्फेस इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वेक क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. यानी कि अगर मोल्टन मैग्मा बाहर आके अर्थ की सरफेस पे आके कूल डाउन हो रहा है, वहां पे वो रॉक फॉर्म कर रहा है, दैट मींस दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रूसिव रॉक बाहर आके. ठीक है, अब वही आप देखो इंट्रूसिव का इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा कि यानी कि वो मैग्मा या वो मोल्टन जो अंदर कूल हो रहा है. अब अंदर कैसे कूल हो रहा है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका मोल्टन मैग्मा है. अब मोल्टन मैग्मा में क्या है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो अर्थ के अंदर ही जो है और चली जाती है ना, अर्थ की सरफेस के अंदर वो बाहर नहीं आ रही है, वो वहीं से ही जो है अंदर जा रही है और वहां पे जाके वो कूल डाउन हो रही है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. सो समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. यानी कि वो बाहर निकलने की बजाय क्या हो रहा है, वो वहीं पे ही जहाँ पे हमारा वोल्केनो है उसी पे ही, वहीं पे ही कुछ ब्रोक करके चीजों को वो वहीं पे ही जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर जा जाके जो है अपने आप को कूल कर रहा है. वहां पे जाके जो वो रॉक फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. अब एक एग्जांपल दिया है रॉक का आपको कि एक बसाल्ट नाम की जो रॉक है वो कहाँ पे पाई जाती है, यानी कि वो कैसे बनती है. वो इसी तरीके से बनती है जिसमें क्या होता है, लावा बाहर आता है अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है.
ठीक है, और वो वहां पे जाके जो रॉक फॉर्म करता है उसको हम कौन सी रॉक बोलते हैं, बसाल्ट रॉक, जो हमें कहा है डेकन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। इवन जो हमारा डेकन प्लेट्यू है वो भी जो है बसाल्ट रॉक से बना हुआ है मोस्ट ऑफ द, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो डेकन प्लेट्यू है वहां पे कभी वॉल्केनो हुआ करता था और वो वॉल्केनो भी वहां पे क्या हुआ, इरप्ट हो गया और वहां पे जो है बहुत सारे रॉक्स वगैरह उसने फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मिट्टी का नाम है बसाल्ट रॉक, ठीक है। अब सेम आप इंट्रूसिव रॉक मैंने बताया जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर, यानी कि जो बाहर नहीं आता, जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही जा जाके ठंडा हो जाता है और रॉक बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक। उसका भी एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, यानी कि ग्रेनाइट जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पावर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो ये कुछ पावर प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पाइसेस वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब इसको यूज किया जाता है ये पेस्ट वगैरह और सब बनाने में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इग्नियस जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव नाम से ही पता चल रहा है जो बाहर आके फॉर्म होता है, इंट्रूसिव मीन्स जो अंदर ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रॉक इज द सेडिमेंट्री रॉक। मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक के बिना बाकी की दो रॉक्स का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, अब आप देखोगे जो आपकी रॉक्स वगैरह होती है, जो पत्थर वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, कहीं कहीं पे मतलब ऐसे गिरते हुए जाते हैं, रोल डाउन होते हुए जाते हैं, या कहीं जो आप देखोगे एक दूसरे से क्रैक कर लेते हैं, एक दूसरे को हिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो इग्नियस रॉक है वो क्या होती है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में जब वो ब्रोक हो जाती है, ठीक है। अब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक हो गई तो वो जो छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि जो सेडिमेंट मीन्स जो आपके बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, या इग्नियस रॉक के टूटने के बाद जो आपकी रॉक बनती है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इग्नियस रॉक के टूटने के बाद जो रॉक बनती है आपकी, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक। सो दीज सेडिमेंट्स, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, डिपोजिट होते हुए पानी के फॉर्म, पानी के साथ जो है डिपोजिट होते हुए जाते हैं, या विंड के साथ, हवा के साथ उठते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या हो जाता है, ये एक साथ में कंप्रेस हो जाते हैं, एक साथ में जो है आप कंसोलिडेट हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और ये एक लेयर बना लेते हैं रॉक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि इन शॉर्ट, आपका जब इग्नियस रॉक ब्रेकडाउन होता है उसके बाद वो कंप्रेस होता है और हार्डन होता है, तो उससे आपकी क्या, कौन सी रॉक बनती है, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। आपका जो, आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपका जो सैंडस्टोन वगैरह का है, कि ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का ही टाइप है। और इसमें क्या है, इस रॉक में क्या होता है, बहुत सारी चीजें वो अपने साथ में ले चलती है। एक मिट्टी होती है या एक रॉक होती है, वो पत्थर भी जब टूटता है तो मिट्टी बन जाता है, सॉइल बन जाता है, तो उसके साथ भी वो मिट्टी में भी आप देखोगे बहुत सारी चीजें मिट्टी अपने साथ लेके चलती है। तो इसमें यही चीज बताया है कि दिस रॉक मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल। अब वो मिट्टी से क्या होता है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें और भी चीजें आ जाती है, तो उस पार्टिकल से मिलके क्या होता है, वो एक नया रॉक बनता है, दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक, हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो उस रॉक में भी आप देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें कंटेन होती है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स हो गए, फॉसिल मीन्स रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, है ना, कुछ जैसे जिनके बोन्स वगैरह, बॉडीज वगैरह, पार्ट ऑफ बॉडीज वगैरह, उनको फॉसिल बोला जाता है, कि रिमेन्स होते हैं किसी भी डेड प्लांट्स या एनिमल के, वो भी उस रॉक में हमें देखने को मिलते हैं। एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम, जो कभी उस रॉक पे या उस मिट्टी में कभी वो रहा करते थे, तो उनके भी कुछ हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक आपको ध्यान रखना है कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, उसके बाद उसको कंप्रेस और हार्डन करके जो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें क्या क्या जो चीजें वो कंटेन करती है अपने साथ में, तो दैट इज द प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक भी कैसे बनती है, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, उनके ऊपर ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो किसमें चेंज हो जाती है, वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू अ स्लेट। जैसे एक क्ले है, आप सबको पता है क्ले क्या होता है, उसको हम एक स्लेट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, हम हीट और प्रेशर डाल के उसको चेंज कर सकते हैं, क्ले को हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। वैसे ही लाइमस्टोन इनटू मार्बल।
लाइमस्टोन भी एक सब्सटेंस होता है, एक मिनरल होता है, जिसको हम किसमें चेंज करते हैं, मार्बल में चेंज करते हैं। तो ये मार्बल एक आपका मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, जिसको हम कैसे चेंज करते हैं, हीट और प्रेशर से चेंज करते हैं। तो मेटामॉर्फिक में आपको ध्यान रखना है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो मेटामॉर्फिक में चेंज होती है। वो चेंज कैसे होती है, अगर हम उनके ऊपर हीट और प्रेशर डालेंगे तो वो सेडिमेंट्री में मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी। तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइमस्टोन पे अगर आप हीट और प्रेशर डालते तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। तो मार्बल इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, या के कुछ थ्री टाइप्स हैं रॉक के बारे में। फिर आपको बताया कि रॉक्स जो है और कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों में रॉक का यूज लेते हैं, जैसे हमें रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी है, हाउस वगैरह बिल्ड करने हैं, ठीक है, या हम कुछ गेम्स खेल लेते हैं, पिट्ठू, सेवन स्टोन्स, गिट्टी। तो स्टोन्स का यूज बताया कि स्टोन्स आर वेरी यूजफुल या रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। यूजफुल क्या है इसकी आपको बता दिए हैं, गेम्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। देन फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स, ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको पता है और कौन कौन से गेम्स होते हैं जिसपे हम स्टोन्स का यूज करके खेल सकते हैं तो आप बताएंगे। इज दैट क्लियर? अभी हम इतना ही करेंगे।